कोरोना महामारी में जहां कुछ लोग संक्रमित लोगों और उनके परिवार के प्रति सामाजिक लांछना की भावना रख रहे हैं, ऐसा ही एक मामला सुंदरनगर में कोरोना संक्रमित के अंतिम संस्कार में स्थानीय लोगों के विरोध से मिला था। लेकिन वही युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी और सोच समझकर कोरोना संक्रमित और उनके परिवारों के प्रति अपना सम्मान दर्शा रही है। देहरा भाजपा युवा नेता डॉक्टर सुकृत सागर ने देहरा के पाइसा में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति तथा उसके परिवार से वीडियो कॉल में उसका हालचाल जाना। डॉक्टर सुकृत ने इनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ये एक छोटी सी बीमारी है और उन्हें विश्वास है कि उनके क्षेत्र का ये योद्धा कोरोना महामारी को परास्त कर जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेगा। डॉक्टर सुकृत सागर ने बताया कि इस कोरोना बीमारी ने न सिर्फ हमारे शरीर पर हमला किया है बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने को भी आघात पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति या उसके परिवार से शारीरिक दूरी तो बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम ऐसा करते करते ना देखे में हम इनका सामाजिक बहिष्कार कर दें। डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देहरा क्षेत्र में भी एक कोरोना का मामला सामने आया है और जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है ये अपने अंदर कोरोना के खिलाफ लड़ाई तो लड़ रहा है। उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि हमारी इनसे शारीरिक दूरी जरूरी है लेकिन मानसिक और सामाजिक तौर पर उनका इस लड़ाई में हौसला अफजाई करना चाहिए और उनके परिवार के साथ सभी को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। इस समय पूरा देश जो है वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है। संभवतः कोरोना ने हमारे शरीर पे ही नहीं बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने पे भी आघात किया है, चोट की है। ये कोरोना एक तरह से हमारे लिए सामाजिक लांछना बन गई है, सोशल स्टिग्मा बन गया है और कहीं ना कहीं हम लोग जो है जाने अनजाने मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरह से ये हमारे सामाजिक ताने बाने पे चोट कर रहा है। हम लोगों को मूलतः हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को जो ये कोरोना संक्रमित है या इनके जो परिवार है उनसे शारीरिक दूरी तो बनानी है लेकिन ऐसा ना हो हम ऐसा करते हुए ना दिखें कि हम लोगों ने इनका कोई सामाजिक बहिष्कार किया है। हमारे देहरा में एक जो पहला मामला कोरोना संक्रमित का आया था, आज मैंने उनसे तथा उनके परिवारजनों से बात की है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि इस आपदा में, इस लड़ाई में, क्योंकि ये जो इस समय कोरोना के खिलाफ यही लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ी लड़ाई अपने अंदर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई में हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हमारी इनकी इनसे शारीरिक दूरी जरूर है लेकिन मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और हम सभी इकट्ठे होके इस कोरोना को हराएंगे, कोरोना की जंग को जीतेंगे और जल्द हमारे जितने भी कोरोना संक्रमित हैं वो अपने अपने परिवारजनों के बीच में स्वस्थ होके आएंगे और हमें ये भावना रहनी चाहिए कि हम इसमें सामाजिक तौर पे इकट्ठे होके इसमें लड़ाई लड़ें और हमें कोई जरूरत नहीं है किसी का सामाजिक तौर पे बहिष्कार करने की, हमें सिर्फ शारीरिक दूरी बनानी है। तो हमें जो है वो बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है।